हाँ जी दोस्तों, क्या हाल आप सबके? ठीक ठाक हो? अब देख लिए घर की अपना चलती रहती चीज़ें, बट ठीक है, ठीक ठाक हो आप सब लोग? हाँ हाँ जी, तो कल नॉमिनेशन हो गया भैया हमारा, और ऑल सेट फॉर बिग थिंग्स। तो हम साउथ दिल्ली से कहते हैं फाइनली सब चीज़ें ठीक हुई, नॉमिनेशन हुआ और हमारा एक्सेप्ट हुआ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बट आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, तो हर रोज़ मैं आपसे बात करता रहूँगा सुबह सुबह, उसके बाद मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, और फिर जो भी उनकी प्रॉब्लम और समस्याएं वो मुझसे वाकिफ होते बात करते हैं, तो या लेकिन बहुत सारे लोगों का यार जो मेरे पास जो आती है, बहुत सारी चीज़ जो मैसेज आते हैं, जो लिखते कमेंट में भी कि भाई साहब आपने रॉन्ग पार्टी चूज़ कर ली, तो एक ये कॉमन सवाल रहता है। तो मैं नहीं मानता कि मैंने रॉन्ग पार्टी चूज़ की है या फिर मैंने गलत डिसीज़न लिया है। आई थिंक मैंने सही डिसीज़न लिया है, बिकॉज इसकी एक वजह है, बिकॉज बीजेपी और कांग्रेस में यही फ़र्क है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं जो बीजेपी वाले हैं, और जो कांग्रेस की जो सोच है वो सोच करती है कि वो आपके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, वो एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। राहुल जी का जो मैनिफेस्टो था उसमें एनवायरनमेंट के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर एक उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी काम करेंगे, और जो दूसरी बात है वो एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, कल के बारे में बात करते हैं। ये तो ये मेरी अपनी फीलिंग है आपकी, मैं आप मेरे को बुरा भला जो भी कहें कह सकते हैं, बट मैं आपसे बात करता रहूँगा सुबह सुबह हर रोज़ जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। इलेक्शन के बाद थोड़े दिन सोऊंगा, उसके बाद फिर से आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो इसलिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, बिकॉज राम मंदिर से ज़्यादा हमारे लिए अहम है यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स, जो हमारे बच्चों के लिए ठीक हो। हाँ ठीक है भैया, राम मंदिर बनना चाहिए, चलो अच्छी बात है, मैं आई एम नॉट डिनाइंग इट, पर हमारे लिए वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए कहते हैं मजहब, आई थिंक मानवता है, कहते हैं कि इंसान को इंसान का मजहब वो ज़रूरी है। तो भैया इतना बड़ा फिलोसफर भी नहीं हूँ, इतना बड़ा कहते मेरे अंदर ज्ञान भी नहीं है कि लाइक मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करूँ, लेकिन जो मैंने इन बातों में सीखा है तो मैंने यही सीखा है। लोग बात करते रहेंगे 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ। अभी मैं US था, एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो US में मैंने पूछा कि मैं वैसा लाइक दोनों मुल्क एक हैं तो दोनों लाइक क्यों चेंज कैसे हुआ। ले यार, इंडिया और पाकिस्तान जो पूरा एक हिंदुस्तान था पहले, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, हम कभी बाहर नहीं जाते थे, आउट ऑफ इंडिया नहीं जाते थे, बिकॉज हर एक चीज़ यहीं थी, लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, बाहर से गोरे पढ़ते थे इंडिया में, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी कितनी बड़ी थी, और वहाँ आते थे, और पाकिस्तान सारा इंडिया का हिस्सा होता था, तो हम बाहर जाते नहीं थे। तो गोरों का दिमाग करा कि इनको लड़ा दो, डिवाइड एंड रूल, और वो 1947 में हुआ था, और अब तक वो स्टिल अभी तक वो पॉलिसी काम करेगी, डिवाइड एंड रूल। तो आप जो भी देखेंगे कि आप फूड डाल दो कहीं भी, दो मजहब के अंदर, हिंदू या मुस्लिम के अंदर, या फिर जाति के अंदर डाल दो, तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम करती है सब चीज़ें, और फिर वो डिवाइड करके फिर जो तीसरा होता है ना वो फ़ायदा उठा लेता है। तो ये बातें होती हैं, पर ये अभी तक हमें ये चीज़ें भुगत रहे हैं, 70 साल हो गए अभी हमारे को, मोर देन दैट। अपन लोग उसके बारे में बात करें, 70 साल में क्या हुआ है भैया, ठीक है, पर आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखों को बस यही होना चाहिए कि वो अच्छी बात करें, अपने बच्चों की बात करें, बिकॉज मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं उनके भविष्य की, उनकी फ्यूचर की बात करना चाहूँगा, न कि मैं जो पहले हुआ था उसके बारे में बात करूँगा। है कि नहीं, सही है कि नहीं, आप बताइए। चलो आपके सवाल लेते हैं आप। अब देखिए, मैंने मन महेश राठी ने कहा कि 70 साल क्या हुआ 70 साल में, तो भैया 70 साल का मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रवि कल्याण ने कहा कि भैया रॉन्ग पार्टी, भैया मैंने बता दिया कि मैंने पार्टी क्यों चूज की। और US में क्या हुआ ये बताइए ना। US में भैया, US में ये हुआ था कि ये पूछा किसी अपने एक हमारे दोस्त, US में ये हुआ था कि
मैंने पूछा कि लाइक हिंदुस्तान पाकिस्तान ये लोग अलग सेम है, उनके जवान सेम है, तुम क्या ये क्यों लड़ाइयाँ रहती है? तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा था एजुकेशन, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल करती है एक एक आदमी की सोच पे, एक आदमी के दिमाग पे ना, जब जो पढ़ते लिखते हैं, जो आप माहौल से देखते हैं तो बहुत सीखते हैं। तो जब नेहरू जी और जब जो दोनों जो पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री दोनों गए, इनके जो विक्टोरिया थी आई थी, जो जो लेडी थी उसके पास गए कि आप दो दो मुल्क तो बना दिए, तो आप लोगों को क्या चाहिए? तब जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि हमें वेपन चाहिए, बड़े बड़े मिसाइल चाहिए, टैंक चाहिए, हर एक चीज़। तब नेहरू जी ने कहा था कि ला मुझे इंस्टीट्यूट चाहिए, स्कूल चाहिए, मेरे को कॉलेज चाहिए। तो ये बात अभी यूएस की थी, उसकी मैं जिक्र कर रहा था आप सबके सामने। तो ये बात है, तो आई थिंक एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हम पढ़े लिखे, जो बात करें, जो टेक्नोलॉजी अब काम कर रहे हैं, ये सब एजुकेशन की ही देन है। तो आप लोग प्यार करते रहिए, आप सोचते रहिए, और चाहे गाली लिखे, चाहे आपके सजेशन हो, और चाहे अच्छा लिखें, तो आप खुश रहें, अपनी फैमिली खुश रखें, खुश आबाद रहें और ठीक रहें। तो भैया जय हिंद जय भारत, है कि नहीं? तो हर रोज़ आपसे मुलाकात होती रहेगी, और आपके सवालों के जवाब से भी कहते हैं कि वाकिफ़ होते रहेंगे हम लोग। तो ध्यान रहे आप, तो आपके बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कमेंट आ रही हैं, बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पेड़ भी होते हैं, जो ट्रोल होते हैं वो भी पेड़ होते हैं। तो ठीक है, चक दो फटे, फिर लग जाओ फिर काम पे, ठीक है, गुड डे।